इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट का बस एक ओवरव्यू है। आगे आने वाले वीडियोज़ में उन सारी की सारी चीज़ों के गहराइयों में घुस कर उन चीज़ों का हम अभ्यास बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो तुम्हें आज के इस वीडियो को एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ही ट्रीट करना है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि तुम एक कंपनी के अंदर काम करते हो। अब ये जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बना के उन्हें सेल करती है। अब तुम्हारे कंपनी के अंदर एक कॉलेज का प्रिंसिपल आता है। अब ये प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो उस कॉलेज के अंदर टीचर भी है, मतलब वो उस कॉलेज के अंदर 2-3 सब्जेक्ट सिखाता भी है, राइट। अब वो प्रिंसिपल आके तुम्हें ये बोलता है कि मुझे ना स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, और ये जो सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके अंदर जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सके, और उसके बाद प्लस महीने के आखिरी में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेंडेंस 75% से कम है, जिन्हें जनरली हम डिफॉल्टर्स कहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप होना चाहिए। मुझे तुम ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, ऐसा वो तुम्हें कहता है। अब ये चीज़ें सुनने के बाद तुम थोड़ी ना डायरेक्टली कोडिंग करने के लिए बैठने वाले हो, तुम थोड़ी ना डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने के लिए बैठने वाले हो। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जब तुम ये सारी की सारी चीज़ें सुनते हो तब तुम्हें डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं बैठना पड़ता, तुम्हें डायरेक्टली कोडिंग करने के लिए नहीं बैठना पड़ता। सबसे पहले या उससे पहले तुम्हें एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, जिनमें से एक स्टेप होती है प्रोग्रामिंग या कोडिंग। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो अभी इमेजिन करो कि वो प्रिंसिपल तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे कंपनी में आता है और तुम्हें बोलता है कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और कन्फर्म कर देता है, बोल देता है कि हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाओ, हम पे कर देंगे जो भी अमाउंट है वो। तो अभी कन्फर्म हो गया, कन्फर्मेशन मिल गया, राइट। अब कन्फर्मेशन मिलने के बाद सबसे पहला फेज जिसके अंदर तुम एंटर करते हो वो फेज है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज के अंदर तुम अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करते हो और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो। तो अभी क्लाइंट से सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई। अब जो अगला फेज है जिसके अंदर तुम एंटर करोगे वो है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज के अंदर तुम अलग अलग डायग्राम्स बनाते हो। अब ये अलग अलग डायग्राम्स तुम क्यों बनाते हो, तुम ये अलग अलग डायग्राम्स इसीलिए बनाते हो क्योंकि इससे तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या रिगार्डिंग क्लियरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये पता चलता है कि कैसे कैसे यूज़र्स या किन किन प्रकार के यूज़र्स तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ का फ्लो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमने स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को ही कंसिडर किया तो इसके अंदर एक तरफ एक यूज़र है टीचर जो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सकती है, जो महीने के आखिरी में जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस 75% से कम है यानी कि बेसिकली डिफॉल्टर्स, उनका रिपोर्ट भी बना सकती है। और एक तरफ दूसरा यूज़र है स्टूडेंट्स जो बस अपना अटेंडेंस देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लियरिटी है, टीचर है स्टूडेंट्स है ऐसे यूज़र्स अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फ्लो क्या होगा, तो ऐसी जो क्लियरिटी है अलग अलग पार्ट्स में ये क्लियरिटी तुम्हें मिलती है इन डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। अब ये डायग्राम्स कौन से हैं और कैसे बनाते हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो सेकेंड फेज के अंदर तुम ये करते हो। थर्ड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। इस फेज के अंदर कोडिंग पार्ट आता है या इस फेज के अंदर प्रोग्रामिंग पार्ट आता है। इस फेज के अंदर तुम प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हो। तो जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें डायरेक्टली प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, तुम्हें डायरेक्टली कोडिंग नहीं करनी पड़ती, उसके पहले एक प्रोसेस होता है फिर ये पार्ट आता है, तो अभी वो जो पार्ट है वो ये है। देन उसके बाद टेस्टिंग फेज आता है। जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है या जो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर है जो बन के अभी रेडी हो गया है उसको तुम्हें टेस्ट करना है। जो एक्सपेक्टेड इनपुट्स है वो एक्सपेक्टेड इनपुट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट्स दे रहे हैं या नहीं वो तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो वो पार्ट्स टेस्टिंग फेज के अंदर आता है। और उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट फेज। अभी डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर तुम्हारा बन के रेडी हो चुका है वो सॉफ्टवेयर
तुम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो, मतलब बेसिकली दे देते हो, और फिर क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और तुम्हें फीडबैक देता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज के अंदर क्या होता है, अगर सपोज उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, या अगर यूज़र ही चाहता है कि उस सॉफ्टवेयर को वो अपग्रेड करे, या यूज़र ये चाहता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्स्ट्रा और कुछ फीचर्स ऐड होने चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेनेंस फेज के अंदर आती है। तो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और इन सारे के सारे फेजेस का क्या लेना देना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के अंदर हम इन्हीं सारे के सारे फेजेस का गहराइयों में घुसकर अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। और अब एक आखिरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो है ये एक मेथड है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो उन अलग अलग मेथड्स का भी गहराइयों में घुसकर हम अभ्यास करेंगे, राइट। अब अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं इस सब्जेक्ट के, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी के अभी उन नोट्स को परचेस करो और अभ्यास करना चालू कर दो, ताकि बाद में डिफ़िकल्टी ना आए। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस हमने अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।